देखिए ना, यहाँ कोई किंग है ना मेकर है, यहाँ सभी राष्ट्र की सेवा करने के लिए। और सपना देखना बंद करें, 5 साल इंतजार करें। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी बेचैन है और इनकी सफाया तय है। देश की जनता का जनादेश और आशीर्वाद मिला, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और बिहार को अच्छी भागीदारी हुई है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद और देश जी की जनता का प्रति आभार है कि आपने तीसरी बार विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने का अवसर दिए हैं। संजय रावत ट्वीट करके कश्मीर के मामले पर कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ दहशतगर्द खून की होली खेल रहे थे। 370 हटने के बाद से हादसे और बढ़ गए कश्मीर में। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी बेचैन है और इनकी सफाया तय है। सर, इंडिया गठबंधन के नेता लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, सर कैसे देखते हैं, क्या लगता है कुछ होगा क्या? बेचैनी उनकी घबराहट उनकी हलचल को बढ़ा रहा है। बिहार से कई दल के डीएम हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार की मेकर की भूमिका में है, जो बिहार को आप विदेश राज्य की दर्जे दिलवा दें ना। देखिए ना, यहाँ कोई किंग है ना मेकर है, यहाँ सभी राष्ट्र की सेवा करने के लिए और जनता के दिए जनादेश का ईमानदारी से विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने वाले लोगों का एक परिवार है। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जाति समीकरण छोड़कर मुझे लड़ाया गया और मुझे विजयश्री मिली है। धन्यवाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और उनका ये प्रयोग सफल रहा। ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया बिहार में उसका असर पूरे जनता पर होने लगा। यही कहना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार की मेकर की भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है इसको खुलवा देना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है, मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। इंडिया गठबंधन के नेता लोग भी दिल्ली पहुँच रहे हैं सर, क्या लगता है कुछ होगा क्या? नहीं नहीं, हो गए, सरकार बन गई 5 साल के बाद। आप सपना देखना बंद करें, 5 साल इंतजार करें। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग सरकार तो बना लिए, कितने दिन चला पाएंगे, 1.5 साल या 5 साल इंतजार करें, खाप में रहें, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव की बात कर रहे हैं।